अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम काजा। और मैं रुका हूँ सनी भैया के यहाँ। अब कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है सनी भैया, जब मैं मार्केट में आपसे एड्रेस पूछा मार्केट में मैंने रुक के एक भैया खड़े थे उनसे पूछा कि यहाँ सनी भैया का एक गेस्ट हाउस है, उन्होंने कहा मेरा नाम ही सनी है। तो मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो वहीं पे प्रेजेंट था और उन्हीं से मैंने पूछा कार्जे मड हाउस। तो कार्जे मड हाउस में रुका हूँ मैं एंड इट वाज रिकमेंडेड टू मी बाय रचित जी। तो रचित जी बिग थैंक यू टू यू, बहुत अच्छी नींद आई रात को भी मेरे को। और अभी हम लोग हैं कॉमन डाइनिंग एरिया में विथ सम लवली ब्रेकफास्ट, अंडा रोटी बटर और अभी चाय आने वाली है। और ये है सनी भैया। सनी भैया दिल्ली में काफ़ी टाइम रह चुके हैं ना? हाँ, मेरी स्कूलिंग सारी एजुकेशन जो भी है दिल्ली से हुई है। तो अच्छा, हाफ दिल्ली एंड हाफ ट्राइवल। नहीं अच्छा। और भैया है चीचम से ना? हाँ जी। अभी चीचम ब्रिज हम लोग शायद आज या कल में मैं जाऊंगा। चलिए खाना खाते हैं जल्दी से, फिर हमें निकलना भी है ना, वरना लेट होगा। आ जा। बिल्ली डरती नहीं है यहाँ की बिल्कुल भी। इट्स टाइम टू लीव। अभी सामान मेरा यहीं पे है और मैं जा रहा हूँ हिक्किम जो पोस्ट ऑफिस है हाईएस्ट, और लांगजा चेन लूप और क्लीन मैंने कर लिए, यहाँ से निकलते हैं बस। अब यहाँ पे थोड़ा सा सांस का होता है ना, ऑक्सीजन का। हाँ, जैसे मैं जैसे आप थोड़ा सा बोलना शुरू करें ना तो थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी आज लगेज मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। और भैया को भी बाइक बहुत पसंद आई है ना? ओके भैया, शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं ना? हाँ, यहाँ से है जी, कल रेस लगाएंगे। रेस लगाओगे? शाम को मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। चलो जी, काजा मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को आज जो दो तीन जगहें जानी है वरना ये सारा मिस हो जाएगा। तो ये था जहाँ मैं रुका हूँ, रेसिडेंशियल एरिया है। और ये देखो यार, काजा का नज़ारा, पूरे पहाड़ नीचे तक आपको दिखते हैं। और यहाँ पे अभी जो फरवरी में जो टेम्परेचर था जब पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे -30 -35 तक था। गाड़ियों में डीजल वगैरह भी जम जाता है, पूरी रात ऑन करके छोड़नी पड़ती है, तब जाके आप सुबह लेके जा सकते हैं। पेट्रोल जो हमारा आया है 950 रुपये का 9.38 लीटर, और ये ब्लिंक करने लगा था। मतलब आप सोच सकते हैं ब्लिंक करने के बाद भी जो रिज़र्व में पेट्रोल काफ़ी रह जाता है इसमें, ब्लिंक करने के बाद इंटरसेप्टर अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर चलती है। एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन आयरन बट राइड, क्योंकि उस राइड पे हम सारी टेस्टिंग कर रहे थे कि कितना चलता है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल था इसलिए हम टेस्ट कर रहे थे। फ्यूल नहीं है तो आप ऐसे टेस्ट ना कीजिए, क्योंकि कहीं फंस गए तो दिक्कत होगी। एक बार मेरे को यहाँ से रास्ता पूछना है, क्योंकि सनी भैया ने मेरे को रास्ता बताया था, मगर वो थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया शायद। भैया जी, हिक्किम वाला रोड यही है? हिक्किम यही है? थैंक यू। अलग एक्सपीरियंस है यार स्पीति में बाइक चलाने का। मैंने लद्दाख में भी पूरा सर्किट करा हुआ है, जो थ्रिल मगर स्पीति चलाने में आता है वो नहीं मिलेगा आपको। देखो आज भी मैं इधर से पैर ही कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है लगेज या लगेज की आदत लगी हुई है। देखो भाई, दिस इज स्पीति काजा। दिस इज हेवन।
और थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो जाएगी, मगर फिर भी वो एक्सट्रीम वाला विंटर नहीं है अभी। मतलब एक लाइनर आप डाल सकते हैं बस विंटर लाइनर जैकेट के नीचे, इट विल डू। ये एक एक्सपल्स वाला ग्रुप है, ये भी नोएडा से ही है, एक्सपल्स है। इसमें एक KTM एडवेंचर है, एक BMW 310 GS है, एक इम्पल्स है। तो ये लोग मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। मेरी बाइक तो अभी तक नहीं हुई कि मैं यहाँ से मैंने टर्न ले लिया और पूरा आइस एकदम ग्लास बना हुआ है। अरे अरे सर 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 ओके जाने का फायदा नहीं है आगे सर, वापस चलते हैं ना, वापस चलते हैं। जब वो उधर से कॉमिक करते हैं तब तक इधर धूप है, ये बर्फ पिघल जाएगी। आइस भी देखो ना कैसा इधर से आया पूरा। हाँ चलते हैं, बस हम भी चल रहे हैं। इससे पहले कैमरा मेरा ऑफ था तो जो BMW 310 है वो भी यहाँ पे स्किट हुई थी। तो हमने डिसाइड करा यहाँ से वापस। इट्स रियली स्केरी यार, जिस हिसाब से एक्सपल्स अभी स्किट हुई थी यार, मतलब ऐसी चीज़ें करना इट्स लाइक पुटिंग योर लाइफ इनटू रिस्क। लाइफ रिस्क पे है यार, थोड़ा सा आप स्किट हुए यार बाइक गई, आप भी जाओगे बाइक भी जाएगी, और लाइफ इज़ टू प्रेशियस। होता ये है ना, ये वो बर्फ़ बनी हुई है। जब हितेश और मैं हिमाचल से नीचे उतर रहे थे होटल आयरलैंड से, तो जो आइस ग्लास बन जाती है ये वो वाली आइस है। तो ग्लास पे चाहे आपका ऑफ रोडिंग टायर हो या ऑफ रोडिंग टायर का बाप हो, कुछ नहीं चलता ग्लास पे तो भाई। और अभी जो एक्सपल्स पे आए, थोड़ा सा वो स्पीड भी मेरे हिसाब से उनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़ी सी। एंड थैंक गॉड, ये देखिए ये सारा आइस बना हुआ है। और मेरी बाइक तो यार भारी भी बहुत है। ये वैसे ही पहाड़ हैं जैसे के नीचे वो सामने वाले हैं। और यहाँ पे हर जगह पे स्टोन्स पड़े हैं, सारे स्टोन्स ऊपर से आ रहे हैं। और इतनी नैरो सी रोड है, इधर नीचे और इधर पत्थर। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, भावनाओं में बिल्कुल भी ना आए, और बहुत ध्यान से, क्योंकि छोटी गलती हुई और काम हो गया। Dangerous roads in the world.
बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रोड पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग इन्जॉय करिए। Oh my God, bhai, finally we have reached. Interceptor Mark II, first Interceptor Mark II to reach highest post office. Yes, oh my God. Stand dekh leta hu, theek hai. तो ये है किम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ से पोस्ट कार्ड जाएगा? हाँ जी, पोस्ट कार्ड जाएगा कहीं पे भी। हाँ कहीं पे। कितना चार्जेस है? चार्जेस पोस्ट कार्ड अलग अलग है, 30 वाला है और ये 30 वाला, ज़्यादातर मेरे पास 30 वाला ही। हाँ 30 वाला मैं भी दे देना। एक कितना है? एक कौन सा आपका पिक्चर? आप ये वाला दे दिए, हिकिम वाला। हाँ पोस्ट ऑफिस वाला, हाँ ये वाला अच्छा है। फिल करना है कुछ? ठीक है, फिल करना है पोस्ट कार्ड, मैं भी भेजूंगा यहाँ से। मैंने अपने घर भेजा है पोस्ट कार्ड ग्रेटर नोएडा, तो देखते हैं कब तक जाएगा। हिकिम विलेज विद हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल हिकिम विलेज। ये सारा हिकिम विलेज है इधर नीचे। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकिम पे मैं अभी हूँ, और जहाँ पे बाइक्स का फॉल हुआ था, मैं आपको बताऊँ, मैं सोच रहा था कि वो हिकिम वाली जगह नहीं, वो हिकिम के लिए नहीं है, वो रास्ता जाता था लांगज़ा, और वहाँ पे एक बोर्ड था जो कि बोर्ड गिरा हुआ था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस बोर्ड पे लिखा था कि इस बियॉन्ड दिस पॉइंट इट्स नॉट अलाउड। तो उसमें क्या था, पूरी ऊपर जो बर्फ़ है वो शीशा बना हुआ है, और जाना बहुत ही टफ है। यहाँ तक कि एंडेवर, फॉर्चूनर, थार वाले भैया भी पीछे रुके थे, सारे के सारे वापस हो गए वहाँ से, जिनके पास 4x4 थी वो भी। ये एंडेवर है पीछे, ये मेरे साथ साथ नाकों से भी निकली थी, तो पहचानते हैं भैया। तो हुआ क्या, लांगज़ा जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यार लाइफ को रिस्क में डालने वाली बात हो जाएगी। तो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हमारा हो गया, लांगज़ा जाना अननेसेसरीली लाइफ को रिस्क में डालने वाली बात है। फिर आ जाएंगे यार, फिर से हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ कुछ ऐसा है, जा रहे हो? थैंक यू भैया। हमारे पोस्ट कार्ड पोस्ट करने जा रहे हैं नीचे पोस्ट ऑफिस में, और मैंने भी पोस्ट कार्ड भेजा है अपने घर। तो निकलते हैं यार यहाँ से बस। मगर दिस वाज आल्सो सो एडवेंचरस एंड एट द सेम टाइम सो डेंजरस एज वेल। तो दोस्तों यहाँ से आगे का सफ़र आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा, इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। और अगर अब तक का सफ़र आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है नई नई जगहों पे जाने की। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।